हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन लक्स क्लासेस। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड टुडे इन दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आर यू कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिफोर explaining the structure of model membrane, first of all I would like to discuss the introduction, basic concept about the plasma membrane. जैसा कि हम जानते हैं, as we know that the plasma membrane or that is also known as cell membrane, that is also known as cytoplasmic membrane, दैट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा लिमा, दैट इज आल्सो नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज आल्सो नोन एज बाउंड्री वॉल। सो देयर आर दीज आर द डिफरेंट नेम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज वी नो दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स वेदर ऑफ प्लांट्स आर एनिमल। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वह प्लांट सेल हों या एनिमल सेल हों आर ऑफ बैक्टीरिया अथवा चाहे वो बैक्टीरिया हों। सो इट इज वेरी क्लियर दैट एंड वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ सेल्स, that is either plant, that is either animal, or that is either the bacteria. तो इस तरह से यह बहुत स्पष्ट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट सेल हों, चाहे एनिमल सेल हों अथवा चाहे वो बैक्टीरिया हो। इट्स प्रेजेंस वॉज फर्स्ट इन्फर्ड बाई ओवरटन इन 1899। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति के बारे में, प्रेजेंस माने होता है पाया जाना, प्रेजेंस माने उपस्थिति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति के बारे में सबसे पहले अनुमान लगाया था। इन्फर्ड माने होता है अनुमान लगाना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति के बारे में सबसे पहले अनुमान लगाए थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था ओबर्टन 1899 में। सो वी हैव ऑल्सो कीपिंग इन माइंड दैट द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज इन्फर्ड बाई ओवरटन इन 1899। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति के बारे में सबसे पहले ओवरटन ने 1899 में बताया था। इट कुड नॉट ऑब्जर्व बाई ए लाइट माइक्रोस्कोप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लाइट माइक्रोस्कोप यानी सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता है। इट कुड नॉट ऑब्जर्व बाई ए लाइट माइक्रोस्कोप एंड वॉज ऑब्जर्व्ड एज ए ट्राई लेमिनर बाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सामान्य सूक्ष्मदर्शी या साधारण सूक्ष्मदर्शी से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। इट कुड नॉट ऑब्जर्व बाई लाइट माइक्रोस्कोप। इसको सामान्य प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने के पश्चात प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राई लेमिनर यानी त्रिस्तरीय परत के रूप में दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। सो इट इज वेरी क्लियर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुड नॉट ऑब्जर्व बाई लाइट माइक्रोस्कोप। इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता है। व्हेन वी हैव टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन, व्हेन वी हैव टू ऑब्जर्व द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट्स लुकिंग लाइक ए ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर। इन प्लांट सेल, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें कि प्लांट सेल में क्या सिचुएशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्लांट सेल। इन प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाई द थिक प्रोटेक्टिव सेल वॉल। प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कवर्ड माने घिरी रहती है बाई माने द्वारा, थिक माने मोटी, प्रोटेक्टिव माने सुरक्षात्मक सेल वॉल माने कोशाभित्ति। तो जैसे प्लांट सेल है या
बैक्टीरिया हैं, तो दोनों के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल वॉल से कवर रहती है। तो इस तरह से जो प्लांट सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपने चारों तरफ से एक मोटी सुरक्षात्मक कोशाभित्ति से ढकी रहती है। इट इज विजिबल बाय लाइट माइक्रोस्कोप। और ये जो सेल वॉल होती है इसको जो है इट इज माने यह विजिबल माने देखा जा सकता है बाय लाइट माने प्रकाशीय, माइक्रोस्कोप माने सूक्ष्मदर्शी, इसको सामान्य प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसका का तात्पर्य यही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल वॉल को, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कवर्ड रहती है सेल वॉल से, तो सेल वॉल को लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। रॉबर्ट हुक साथ दीज सेल वॉल वनली। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने प्लांट सेल की सेल वॉल को ऑब्जर्व किए थे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक महोदय ने सेल वॉल का को ऑब्जर्व किया था। मोस्ट एनिमल सेल्स आर सराउंडेड बाय ए सेल कोट। ज़्यादातर जो एनिमल सेल्स होती हैं, मोस्ट माने ज़्यादातर एनिमल सेल्स जो होती हैं आर सराउंडेड बाय ए सेल कोट। ज़्यादातर जो एनिमल सेल्स होती हैं सराउंडेड माने घिरी होती हैं, बाई माने द्वारा, सेल माने कोशा, कोट माने आवरण। ज़्यादातर जो एनिमल सेल्स होती हैं अपने चारों तरफ सेल कोट से ढकी होती हैं। सेल माने होता है कोशा, कोट माने आवरण। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स दे आर सराउंडेड बाई ए सेल कोट दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लेमिना। उसको बाहरी लेमिना, लेमिना माने परत या लेयर, एक्सटर्नल माने बाह्य, और उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स आर सराउंडेड बाई ए सेल कोट। ज़्यादातर जो एनिमल सेल्स होती है अपने बाहर कोशा की परत के द्वारा, कोट माने लेयर या परत, कोशा की परत से ढकी होती हैं, उसको बाहरी परत एक्सटर्नल लेमिना भी कहते हैं। उसको ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो शब्द से बना है, ग्लाइको मीन्स होता है ग्लाइकोजन एंड कैलिक्स मीन्स होता है ब्रांच। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स दे आर सराउंडेड बाई ए आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज नोन एज सेल कोट, दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल लेमिना, और दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। इट इज फॉर्म्ड बाई ए सीमेंट लाइक सब्सटेंस। यह जो होती है एक सीमेंट जैसे पदार्थ से बनती है। एंड प्लेज ए सेकेंडरी रोल इन सेल परमेबिलिटी। और यह कोशा की पारगम्यता में द्वितीयक भूमिका निभाती है। As far as concerned about another information regarding the plasma membrane, the plasma membrane, अगर हम plasma membrane के thickness की बात करें, if we are talking about the thickness of plasma membrane, तो plasma membrane जो है trilaminar structure है। जैसा कि हम जानते हैं, when we have to observe the plasma membrane with the help of the electron microscope, then the plasma membrane is looking like a trilaminar structure. It is about 75 angstrom or 7.5 nanometer. तो plasma membrane जो है लगभग 75 angstrom या 7.5 nanometer के करीब होती है। इसमें तीन लेयर होती है। फर्स्ट है आउटर डेंस लेयर 2 nanometer होती है अथवा 20 angstrom होती है। दूसरी है इनर मिडिल लेयर, अंदर में एक मध्य परत पाई जाती है, दैट इज 3.5 नैनोमीटर होती है और दैट इज 35 एंगस्ट्रॉम। थर्ड है इनर डेंस लेयर, अंदर में एक घनी लेयर होती है, दैट इज 2 नैनोमीटर और दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज द थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो थिकनेस जो होती है 75 से 100 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है। 75 एंगस्ट्रॉम यहाँ मेंशन है, 75 टू 100 होती है और 75 नैनोमीटर। आउटर जो है 20 एंगस्ट्रॉम, मिडिल जो है 35 एंगस्ट्रॉम और इनर जो है 20। तो 20 20 40 और 20 में हो गया 35। इस तरह से ये 75 एंगस्ट्रॉम हो गया। द अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैन बी इटूडाइड बाई आइसोलेटिंग इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को अध्ययन करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को अध्ययन करना है इसको, तो इसको जो है हमको कोशा के साइटोप्लाज्म से अलग करना होगा। द अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैन बी इडुटाइड बाई आइसोलेटिंग, आइसोलेटिंग माने अलग करते हुए, इट माने इसको फ्रॉम रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म।
इट इज इजिएस्ट टू ऑब्टेन इट फ्रॉम द आरबीसी। अगर किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को का अध्ययन करना है तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उस संबंधित सेल की साइटोप्लाज्म से अलग करना होगा। यानी अगर किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करना है, उसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उसको उस संबंधित सेल के कोषद्रव्य से अलग करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले सबसे अच्छा होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जो आरबीसी है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से हम आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है कि हम उसको आरबीसी से हम निकालें। आरबीसी से इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अलग हो जाती है। द अल्ट्रास्ट्रक्चर कैन बी डिटेक्टेड, तो मैंने बता ही दिया, आइसोलेटिंग माने अलग करते हुए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, माने कोषद्रव्य के बचे हुए हिस्सों से। इट इज इजिएस्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम आरबीसी, ये सबसे बढ़िया है आरबीसी से निकालने के लिए। दीज सेल्स आर ट्रीटेड विद द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर मान लीजिए इसे आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, अगर इसको इसका ट्रीटमेंट किया जाए, इसका उपचार किया जाए, उपचार का मतलब है ये जो आरबीसी है अगर इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया जाए। हाइपो माने होता है लेस एंड टॉनिक माने होता है कॉन्सेंट्रेशन। अगर आरबीसी को कम सांद्रण वाले सोल्यूशन में डाल दिया जाए, कम सांद्रण वाले विलयन में डाल दिया जाए, तो क्या होगा? अगर आरबीसी को कम सांद्रण वाले यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया जाए तो आरबीसी क्या करेगी? स्वेल अप हो जाएगी। स्वेल अप माने फूल जाती है, एंड रप्चर माने होता है टूट जाती है, रिलीजिंग इट्स साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट। तो अगर आरबीसी को जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया जाए, अगर आरबीसी को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए तो आरबीसी में स्वेलिंग आ जाती है और वो टूट जाती है और उसके अंदर पाए जाने वाले जो कोषद्रव्य यानी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। दीज हीमोलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड घोस्ट। इस तरह से हीमोलाइज्ड माने होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ आरबीसी। हीमोलाइज्ड का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ आरबीसी। इस तरह से जो हीमोलाइज्ड आरबीसी होती है उसे कहते हैं घोस्ट। तो एक शब्द होता है घोस्ट ऑफ आरबीसी, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है आरबीसी का घोस्ट कहा जाता है। कभी कभी किताबों में मेंशन है, मेंशन होता है कि घोस्ट ऑफ आरबीसी, घोस्ट ऑफ आरबीसी दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे घोस्ट ऑफ आरबीसी इसलिए कहते हैं, आरबीसी का भूत कहते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आरबीसी जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइसोलेट करना है तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइसोलेट करने के लिए आरबीसी को जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जाने के पश्चात जो आरबीसी है स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी और वो रप्चर हो जाएगी और आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं वो निकल करके बाहर आ जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग हो जाएगी। इस तरह से जो हीमोलाइज्ड सेल्स होती है उसे कहते हैं घोस्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी अंडरस्टैंड्स। आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच वी हैव टू मेंशन ही। आफ्टर दिस वी विल एक्सप्लेन अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। Thank you.